हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। अच्छा, कृष्ण का मतलब क्या हुआ? कृष्ण का मतलब जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लें, सबके चित्त को चुरा लें, उनका नाम है कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्णः, जो सबके चित्त को अपनी ओर, मैया सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने चुरा लें, इनका नाम है चित्त चोर। जो सबके चित्त को अपनी लीला के द्वारा, अपने रूप माधुर्य के द्वारा चुरा लें, उनका नाम है कृष्ण। सबको अपनी ओर आकर्षित कर लें कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या हुआ आप बता, चश्मा वाली भैया? हाँ आप बता। जो सबके भैया, जो सबके, आप बता, नहीं बताओगे? कृष्ण का मतलब क्या हुआ ये बताएंगे भाई, बताओ न, बताओगे? जल्दी बताओ, हाँ इतना समझाए। जो सबके चित्त को, मन को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। और राम का मतलब आप बताओ, हैं? राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के, भक्तों के, संतों के मन में रमण करें, जो सबके हृदय में वास करें, जो सबके हृदय में रम जाएं, वही है राम। जो सबके हृदय में, जोर से, जो सबके हृदय में रम जाएं, वो है। इसलिए तो मुसलमान भाई मनाते हैं रमजान। राम जिनके चित्त में रम गए, है ना? रमजान का मतलब क्या है? रम मतलब तो समझ गए, जो सबके हृदय में रम जाए वो राम, और जान मतलब जानकी, राम जानकी ही। वो डायरेक्ट नहीं कहते सीताराम, पर रमजान का अर्थ ही राम सीता है। जान मतलब जानकी, भाई जान में की छोड़ दिया, जानकी। और जो सबके हृदय में रम जाए उनको नाम राम है। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो सबके हृदय में रमण करें वो क्या है? राम के बिना कोई रह कहां सकता है? राम के बिना कोई, बड़ा कठिन है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। सबके नाम में राम है, हाँ या ना? चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? तीन। तीन को चार से गुणा करो, कितना हुआ? तीन चौके बारह, बारह में पांच और जोड़ दो, सत्रह हो गया। सत्रह में सत्रह और जोड़ो, चौंतीस में आठ का भाग दो, आठ दूनी सोलह, आठ दूनी सोलह आठ दिया, आठ चौके और आया कितना था योग?
34 आया था और 8 चौके कितना हो रहा है, 32, कितना शेष बचा, 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। आपके नाम में भी राम है। चलो तुम्हारा नाम बताओ, कितने अक्षर हैं आपके में, 5। दादाजी आपके नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, 5 हो गए। चलो 5 को 4 से गुणा करो, 5 चौके 20 में 5 जोड़ो, 25 में 25 जोड़ो, 50 को 8 से भागित करो, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 2 शेष बचा, वही 2 शेष राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। इस संसार में ऐसा कोई नाम नहीं है जिस नाम में शेष 2 ना बचता हो। आपका नाम क्या है, अरे भाई तुम्हारा नाम राम कुमार, अरे नाम ही राम है, फिर तो 2 ही हैं, कुंदा है। चलो मैया आपका नाम बताओ, प्रिया, मीना, कितने अक्षर, तुम्हारे तो 2 ही हैं, फिर भी शेष 2 ही बचेगा तुम्हारा। मैया आपका नाम क्या है, मुन्नी, पूनम, पूनम, 3, 3 वाला गणित हो चुका है, शेष 2 ही आएगा। मैया चश्मा वाली मैया आपका नाम क्या है, हैं मुन्नी, चुन्नी, क्या कह रही है, सुधी, कुंडली, हमें तो मुन्नी सुनाई पड़ रहा है। चलो बड़ा कन्फ्यूजन है भाई, आप बताओ आपका नाम क्या है, कुसुम, कुसुम, 3, 3 वाला गणित हो गया आपका। आपका नाम कितने भी अक्षर का है आप बताओ, आपका नाम कितने अक्षर का है, राजपाल, 4 हो गए, 4 का हो गया क्या, भी बाकी है, बाकी, चलो 4 का करते हैं, 4 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ, 16 हुआ, 4 चौके, अच्छा हाँ 16 में 5 जोड़ो, 21 में 21 जोड़ो, 42 को 8 से भागित करो, तो 8 पंचे 40, 2 बचा, 2 अक्षर का प्यारा नाम। बोल सियावर रामचंद्र की। हर नाम के पीछे 2 है, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राम को नहीं मानता, राम को नहीं जानता, पागल, तेरे नाम के साथ राम है, कैसे छोड़ेगा। समझ में आ गई बात, इसलिए राम के बिना गति नहीं है ना। राम का मतलब क्या हुआ, जो सबके हृदय में रम जाएं, सबके हृदय में रमण करें, वो मेरे राम। 2 अक्षर का, 2 अक्षर का प्यारा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राम को नहीं जानता, नहीं जानता कैसे, तेरा बाप जानता है। राम के बिना कोई रह ही नहीं सकता।